NTAUGCNET यानि इमेजिनेट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम इन टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे। ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो ये जो टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों, टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि असेसमेंट और इवेल्युएशन क्या होता है। इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें ये हमें पता होना जरूरी है। अब देखिए, असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग एम्पिरिकल डेटा ऑन द नॉलेज, आइडिया, स्किल, एटीट्यूड एंड बिलीफ। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम स्टूडेंट के अनुभव, उसके क्या क्या अनुभव है, पीछे का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके विचार क्या, थिंकिंग है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसको क्या नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं और तब हम देखते हैं कि बच्चा आगे क्या सीख सकता है और बच्चे में क्या कमियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर टाइम टू टाइम देखते हैं। लेकिन जो हमारा इवेल्युएशन सिस्टम है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम मुख्य रूप से यह देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। इसके लिए हम टेस्ट, ग्रेड और परफॉर्मेंस इत्यादि का उपयोग करते हैं। इसके अंदर हम ये नहीं देखते कि बच्चे के विचार क्या है, बच्चे की एटीट्यूड क्या, नहीं, हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं देखते। इसके अंदर हम लास्ट में एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम में देखते हैं कि बच्चे के 100 नंबर में से कितने आए हैं, या ग्रेड है, ग्रेड कितनी आई है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, क्या ग्रेड आई है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इसके अंदर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट के अंदर पूरी उसका यानी कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा होता है, सॉरी, उसके अंदर हम उसको अंक देते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है, यानी कि जो असेसमेंट है उसके अंदर हम क्या बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, उसके एटीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन इवेल्युएशन सिस्टम के अंदर हम उसके अंक की बात करते हैं, उसकी ग्रेड की बात करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। और शिक्षा में सबसे पहले असेसमेंट आता है और उसके बाद में इवेल्युएशन आता है, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे का हाव भाव क्या है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसके इमोशन वगैरह को देखा जाता है, उसके बाद उसके अंकों को देखा जाता है, ठीक है। और अब देखते हैं कि इसके मुख्य मुख्य रूप से क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं असेसमेंट और इवेल्युएशन के अंदर। अब देखिए, असेसमेंट है वो ऑन गोइंग है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, हम दूसरे महीने, तीसरे महीने, हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, जब क्लास में जाते हैं, भाई ये बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बोलने का स्वभाव क्या है, ये सारी चीज़ें ये ऑन गोइंग है। और ये प्रोवाइड क्लोजर, ये क्या है कि क्लोजर देता है, यानी कि ये अंत में होता है और ये पॉजिटिव होता है। इसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में क्या पॉजिटिव बदलाव आया है, उसको पॉजिटिव करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो होता है, इट इज़ जजमेंटल, इसके अंदर हम जज करते हैं फाइनली, भाई इसके मार्क्स 10 आए तो ये फेल हो गया, बस हम वहाँ पे उसको फेल कर देते हैं। लेकिन असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर किसी बच्चे में कोई कमी पाई जाती है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर देते, उस टाइम उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। ये प्रोवाइड फीडबैक, इसके अंदर फीडबैक दिया जाता है असेसमेंट के अंदर, जैसे कि कोई बच्चा है गुस्से से बोल रहा है तो हम उसके माता पिता को बताएंगे, अगर अच्छे से नहीं रह रहा है और उसके विचार सही नहीं है तो हम फीडबैक देंगे, उसके माँ बाप को देंगे, प्रिंसिपल को देंगे। लेकिन इसके अंदर इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम फाइनली मार्क्स दिखाते हैं कि आपके बच्चे के 15 मार्क आए हैं, 20 मार्क आए हैं, अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, उसके अंदर हम फीडबैक नहीं देते, उसके अंदर हम सर्टिफिकेट देते हैं। इट इज़ ए क्वालिटेटिव, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम क्वालिटी की बात करते हैं, उसकी भावनाओं की बात करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसके अंदर क्वांटिटी की बात करते हैं, भाई बच्चे के कितने नंबर आए हैं, ठीक है। और
आगे देखते हैं कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, इट हैज़ डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव सोमेटिव, ये तीनों तरह का हो सकता है, यानी कि नैदानिक। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि अगर किसी बच्चे में कोई कमी पाई जाती है तो उसका उपचार किया जाता है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। फॉर्मेटिव और सोमेटिव, फॉर्मेटिव यानी कि जो कंटिन्यूस चलने वाली भी होती है, यानी कि समय समय पर करते हैं, और सोमेटिव क्या होती है कि जो समरी लास्ट के अंदर जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसे हम सोमेटिव कहते हैं। तो जो हमारी असेसमेंट होती है वो तीनों तरह की हो सकती है, डायग्नोस्टिक हो सकती है, फॉर्मेटिव हो सकती है, सोमेटिव हो सकती है, लेकिन जो हमारी इवेल्युएशन होती है ये ओनली सोमेटिव होती है, यानी कि इसमें एज ए समरी हम रिजल्ट निकालते हैं। यह हम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन इवेल्युएशन होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम आखिर में करते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो ये इनके अंदर मेन डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पहले आया है तो ये आप ध्यान में रख लेना, हो सकता है अब की बार इनमें से कोई एक क्वेश्चन दे दे, ये तीन चार ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ इवेल्युएशन, कितने तरह की इवेल्युएशन होती है। यहाँ पे हमने टाइप लिखे हुए, हिंदी में भी लिखे हुए हैं, और अब हम इनको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों हमारे पास कंटिन्यूस कंपेरिहेंसिव इवेल्युएशन। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। यहाँ पर मैं हिंदी में लिखना भूल गया, और मैं कहूँ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी के जो मीनिंग है, जो शब्द वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, वो हम समझ नहीं पाते और फिर कहेंगे कि सर आपने तो ये हमें पढ़ाए नहीं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए इंग्लिश में याद रखने की किसको क्या कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज ए इवेल्युएशन सिस्टम न्यूली इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि ये CBSE के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक नया कॉन्सेप्ट है। तो इसमें से ये क्वेश्चन आया है पहले कि CBSE के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके अंदर क्या होता है कि 6th to 10th क्लास, छठी से दसवीं क्लास तक के बच्चों पे ये लागू होता है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम यह CBSE बोर्ड द्वारा अपनाई गई एक मूल्यांकन प्रणाली, इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बच्चों में तनाव को दूर करना है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी। इसमें समय समय पर बच्चे के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन किया जाता है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या खेल रहा है, और क्या किस तरह के वातावरण में रह रहा है, यानी कि इसमें सभी तरह के पहलुओं को देखा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या पढ़ रहा है, क्या खेल रहा है, और किस वातावरण में रह रहा है। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं। और अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारे पास प्लेसमेंट इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस तरह का मूल्यांकन तब किया जाता है जब किसी बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन होता है। उस समय टीचर यह देखने की कोशिश करता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है और इसे कौन सी क्लास में एडमिशन देना चाहिए। अब देखिए जब हम अपने बच्चे को किसी बड़े स्कूल में लेके जाते हैं तो वो स्कूल वाला बिल्कुल सीधा एडमिशन नहीं करता, वो पहले अपने बच्चे का टेस्ट लेता है और देखता है कि इसको कितनी नॉलेज है। हो सकता है हमारा बच्चा पहले 4th क्लास में हो, लेकिन अगला जो स्कूल है वो टेस्ट लेगा तो हो सकता है वो 3rd क्लास में अपने बच्चे को डाल दे उसकी नॉलेज के अनुसार। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है। सबसे पहली बात इसको क्या है, समय समय पर किया जाता है ताकि हमें यह पता चल सके कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे कि स्कूल में हर महीने बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, इसे हम इंटरनल इवेल्युएशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम बच्चे का समय समय पर टेस्ट लेते हैं, जैसे हर हफ्ते ले लिया, हर महीने ले लिया, और देखते हैं कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आया, और इसको इंटरनल इवेल्युएशन भी कहते हैं। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है, इंटरनल इवेल्युएशन। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम बच्चे की वीकनेस और गुडनेस को देखते हैं कि बच्चे में क्या कमियाँ है और क्या अच्छाई है। अगर बच्चे में वीकनेस पाई जाती है, यानी कि कोई हमें कमज़ोरी पाई जाती है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। और अगर कोई बच्चा होनहार है, बहुत अच्छा है, क्रिएटिव बंदा है, तो उसकी जो स्किल है उसको एडवांस लेवल पे ले जाने की कोशिश की जाती है। और
आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों हमारे पास। आगे है हमारे पास सुमेटिव इवेल्यूएशन। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह का मूल्यांकन हमारी क्लास और कोर्स के बिल्कुल लास्ट में किया जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम ईयरली एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, जैसे कि हमारा क्लास के अंत में एग्ज़ाम होता है। इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा है। इस दौरान बच्चे को अंक, ग्रेड और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम एक्सटर्नल इवेल्यूएशन कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि इंटरनल इवेल्यूएशन किसे कहते हैं और एक्सटर्नल किसे कहते हैं। इंटरनल मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। इंटरनल कहते हैं हम फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन, यानी कि जो समय समय पर किया जाता है। इसको फॉर्मेटिव को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉर्मेटिव यानी कि फोर, यानी कि साल में चार बार जो टेस्ट लिया जाए, ठीक है, समय समय पर लिया जाए। और सुमेटिव को समझने की कोशिश करें तो सुमेटिव मतलब समरी, यानी कि लास्ट में जब जैसे कि हम कोई लेसन पढ़ते तो लास्ट में हम समरी देते, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। अगला आता है हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्यूएशन। इसके अंदर क्या होता है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए पहले से ही कुछ ग्रेड, अंक, पोजीशन या किसी अन्य तरह का क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि हम मान के चलते कि पहले ही बच्चे को कह दिया जाता है कि जिस बच्चे के 50 नंबर से ज़्यादा आएंगे वो एक्सीलेंट माना जाएगा, और जिस बच्चे के 35 नंबर से कम नंबर आएंगे वो फेल माना जाएगा। यानी कि पहले से ही हम एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं, भाई इतने आने पे ये होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्यूएशन कहते हैं। अब देखिए, जैसे इस तरीके के आपको देखे होंगे कि फिर फॉर इंस्टेंस 90% एंड अबो, यानी कि जिसके 90% या उससे ज़्यादा नंबर आते तो उसे ए ग्रेड दिया जाएगा, 80 से 89 के बीच में आएगी उसको बी ग्रेड दिया जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि जिस बच्चे के इस एरिया से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर आएगा उसको ए ग्रेड, बी ग्रेड ये दी जाएगी। यानी कि उससे पहले ही बच्चा अलर्ट हो जाता है कि मेरे को इतने नंबर लेने हैं अगर मेरे को इस ग्रेड के अंदर आना है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्यूएशन कहते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, इसके ज़रिए हमें यह पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल कहाँ तक का है, और इसमें किसी बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। ये ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, इसमें हम किसी बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कंपेयर की बात अभी मैं बताऊंगा क्यों हम कर रहे हैं। अब देखिए, नॉन रेफरेंस्ड इवेल्यूएशन। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, नॉन रेफरेंस्ड मेजरमेंट आर डिजाइन टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजिशन इन सम नॉलेज ग्रुप। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है और देखते हैं कि किसने अच्छे ग्रेड प्राप्त किए हैं। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ या एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा बच्चा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमारे जो स्कूल है उसके अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं तो उसके अंदर ग्रुप बना दिए जाते हैं, टीम ए टीम बी, उन दोनों के अंदर कंपटीशन करवाया जाता है और हम देखा जाता है कि किसके परफॉर्मेंस है वो सबसे बेटर है। तो अब यहाँ पे बात आ गई ना दोस्तों कि जो ऊपर वाली थी हमारी क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्यूएशन थी, इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर हम किसी बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करते, और लेकिन जो नॉन रेफरेंस्ड इवेल्यूएशन है इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, आगे आता है दोस्तों हमारे पास CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चॉइस्ड बेस्ड, यानी कि इसके अंदर हमारे पास चॉइस होती है, हमारे खुद चॉइस होती है कि हम कौन सा भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ कम विद द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रोग्राम इन विच द स्टूडेंट हैव ए चॉइस टू चूज फ्रॉम द प्री सब्सक्राइब्ड कोर्स विच आर रेफर्ड एज कोर, इलेक्टिव और माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर UGC ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिसके अंदर बच्चा अपने हिसाब से जो प्रोग्राम है वो सेलेक्ट कर सकता है। अब देखिए, इसका एक मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण दूंगा, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि जो लोग इग्नू से अपना कोर्स कर रहे हैं तो उनको पूरी छूट होती है कि वो अपनी, जैसे 32 ग्रेड होती है एक ईयर के अंदर, 32 ग्रेड होती
होती है मोस्टली जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर, तो उनको पूरी छूट होती है कि वो 4 क्रेडिट भी ले सकते हैं, 4-4 करके 8 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, या फिर 8-8 करके 4 भी ले सकते हैं। तो उनको पूरी छूट होती है कि वो अपने हिसाब से क्रेडिट सिस्टम चुन सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि दिस शिफ्ट इज़ फोकस फ्रॉम टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी उसको हटा के अब स्टूडेंट केंद्रित कर दिया गया है, यानी कि अब स्टूडेंट की पूरी इच्छा है, स्टूडेंट अपने अनुसार जो भी चीज़ है वो सिलेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन में पहले आ चुकी है। और इस प्रोग्राम में हम बच्चे की विद्यार्थियों की अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स चुनने की आज़ादी होती है। यह शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मुख्य रूप से बातें होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये PDF फॉर्म में ये नोट्स लेना तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे से स्टडी करवा रहे हैं, दिसंबर तक हम आपको बहुत अच्छे से स्टडी करवाएंगे, जिसके अंदर हम आपको डेली 2 वीडियो देंगे और PDF स्टडी नोट्स देंगे, ओल्ड पेपर देंगे, 2012 से लेकर 2019 तक जो पेपर आए उनको सेपरेट टॉपिक वाइज हमने अलग किया है। तो अगर किसी को वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।